मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर व्यूअर्स। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि मैं जल्द ही ग्रामर की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, तो ग्रामर की इस 1.0 सीरीज में, 1.0 सीरीज में मैं ग्रामर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर करूंगा, और जो इसकी एडवांस सीरीज होगी 2.0 उसमें हम ग्रामर की बारीकी के ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्योंकि मैंने देखा था अभी एनडीए का पेपर देखा, उसका एसएससी का देखा, तो उसमें एक एक दो दो क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड आए। इवन एनडीए में देखा, सीजीएल में देखा, केवीएस के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में और डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी देखे मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पर थे। वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वाले में, टीचर्स वाले रिक्रूटमेंट में भी क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे मैंने बताया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी आता और आपको उस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है तो मान के चलिए यू कैन इवन ड्राइव द मीनिंग। दिस इज द मैजिक दैट सम पीपल सजेस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल्स। तो ये वो तरीका है जो मैंने बताया था, तरीके बताएंगे उस तरह से। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एंड एंटिटी ऑफ द सेंटेंसेस। मैंने देखा है कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते लेटर्स में और अल्फाबेट्स में। यस, लेटर्स और अल्फाबेट्स में जनरली वो बोल देते हैं इंग्लिश के लेटर्स अल्फाबेट्स, तो आज हम सबसे पहले यही समझेंगे क्योंकि ये सेंटेंस की एक छोटी एंटिटी है। लेटर्स जो होते हैं वो 26 में से आप कहीं से भी स्टार्ट शुरू कर सकते हैं, जैसे डी, बी, ई, इन्हें लेटर्स कहते हैं। बट जो इंग्लिश के 26 लेटर्स होते हैं जब हम उन्हें सीक्वेंस में लिखते हैं, ए टू जेड लिखते हैं, देन दे आर नोन एज अल्फाबेट। तो मुझे उम्मीद है कि लेटर्स और अल्फाबेट्स कहां बोलना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक सेंटेंस की दो एंटिटी है। थर्ड एंटिटी कौन सी है? थर्ड एंटिटी आती है वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ मीनिंग, जिसका एक मीनिंग निकल कर आता है। जैसे हम ले लेते हैं बर्ड, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसका मीनिंग है। उसके बाद एंड सेंटेंस की नेक्स्ट एंटिटी आती है फ्रेज। फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ये एक सेंटेंस की एक यूनिट होती है जो फ्रेज है। तो जैसे इन द ग्राउंड, ऑन द रूफ, इन द क्लास, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग। द नेक्स्ट पार्ट इज क्लाउजेस। क्लाउजेस भी सेंटेंस की एंटिटी है। और द नेक्स्ट पार्ट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस की इतनी सारी एंटिटी होती है। अब आते हैं हम आज के मेन टॉपिक पर। तो टुडेज टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। आज हम बात करेंगे किस तरह से हम उन्हें आइडेंटिफाई करें। वी विल नॉट गो टू द ट्रेडिशनल डेफिनेशंस। उन ट्रेडिशनल डेफिनेशंस में हम नहीं जाएंगे, उसमें ज्यादा थ्योरी पे ज्यादा जोर नहीं देंगे, बल्कि हम एप्लीकेशन पे बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, माय डियर व्यूअर्स, होता क्या है? देखिए, व्हाटएवर वी स्पीक, जो कुछ भी हम बोलते हैं दैट इज अ स्पीच। वो एक स्पीच है, जो भी मैं बोल रहा हूं वो एक स्पीच है, और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। वो डिफरेंट पार्ट्स को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो वी मे से दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्पीच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं माई नेम इज मेराज अहमद, आई लिव इन मुरादाबाद, आई एम वर्किंग हार्ड टू एस्टेब्लिश दिस चैनल, आई एम ईगर टू लर्न स्विमिंग एंड हॉर्स राइडिंग। देखिए, मैंने जितने सेंटेंसेस बोले उसमें हम देखेंगे माई नेम इज मेराज अहमद, मेराज अहमद इज ए नाउन। नाउन क्या होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट इज जस्ट टू ब्रश अप योर नॉलेज, आपको एक नॉलेज की ब्रश अप करने के लिए। इसी में देखिए, जैसे मैंने बताया मेराज अहमद, आई ये प्रोनाउन है, लिव वर्ब है, इन प्रपोजिशन है, और मैंने कहा जैसे वर्किंग हार्ड एडवर्ब है, ईगर एडजेक्टिव है। तो देखा, जो भी हम कॉमन व्हाटएवर वी स्पीक यूजिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ले सकें, एक एप्लीकेशन लेते हैं। चलिए मानिए यहां ये इज अ बॉय, एक लड़का है, मैं कहता हूं हिज नेम इज राहुल। तो ये लड़का है,
इसका नाम मैंने क्या बताया, राहुल, राहुल नाम बताया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या क्या है, पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन। तो चलिए, मैंने कहा था एक हियर इज अ बॉय, एक लड़के को ले लेते हैं, उसके एग्जांपल को ले लेते हैं, एप्लीकेशन करेंगे एकदम, ताकि आप सभी की समझ में आ जाए। हिज नेम इज राहुल। राहुल क्या है, राहुल उसका नाम है। तो नाउन क्या होता है, नाउन आपने सुना होगा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। इनकम्प्लीट है, उसमें जोड़ना पड़ेगा फीलिंग, फीलिंग ऑल्सो, फीलिंग भी होती है उसके अंदर। तो बेसिकली मैं इसे एक लाइन में कहता हूं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ, जहां आप बैठे हैं वहां रूम में या कहीं खड़े रहो, चारों तरफ जिन चीजों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां रूम में हो, आपने देखा होगा फैन होगा, नाउन, विंडो, ग्लास, चेयर, टेबल, मग, वॉल, एनीथिंग दैट यू सी, ग्लास, जो भी आपको दिख रहा है, जो आप टच कर सकते हैं, जो आप महसूस कर फील कर सकते हैं, वो सब नाउन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नाम मैंने दिया राहुल, तो राहुल क्या हो गया, नाउन हो गया। चलिए अब हम दूसरे कहते हैं, ही इज अ स्टूडेंट। अब देखिए, या ही, हु इज ही, ही इज राहुल, यस, यानी कि जैसे हमें बताया गया, हमने पढ़ा है, द वर्ड्स व्हिच कम इन प्लेस ऑफ नाउन, व्हिच रिप्लेस अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पर, यहां पर नाउन क्या था, नाम क्या था लड़के का, राहुल, उसे रिप्लेस कौन कर रहा है, ही कर रहा है। तो ये जो ही है, ये क्या हुआ है, प्रोनाउन हो गया। लेकिन इसमें एक चीज समझने की और बात है, क्योंकि हमें बताया जाता है द वर्ड्स व्हिच रिप्लेस नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन, लेकिन उन्हें यूज कैसे करना है उसमें वो देखना होगा, एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया देखना होगा, हमें ये देखना होता है, क्योंकि एक नाउन जो है वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह भी आता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी आता है। जैसे बात करते हैं, राहुल नोज राकेश, यहां पर दो नाउन है, राहुल है और राकेश है। जब हम इन्हें रिप्लेस करेंगे किसमें, प्रोनाउन में, तो देखिए राहुल की जगह हमने लिख दिया ही नोज हिम। अब आप कहेंगे राहुल के लिए तो ही आया और राकेश के लिए हिम आया, तो मैंने बताया था कि नाउन किस रूप में काम करता है, नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में दोनों में काम करता है। तो हमें ये देखना होता है जब हम नाउन से प्रोनाउन में चेंज कर रहे होते हैं कि नाउन की पोजिशन क्या थी, नाउन का नंबर क्या था, नाउन का जेंडर क्या था। तो मेन चीज है उसकी पोजिशन। अगर देखिए यहां पे जो राहुल था वो सब्जेक्टिव केस था और जब प्रोनाउन चेंज हुआ तो ही, और जो राकेश था वो ऑब्जेक्टिव केस था और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो वी नीड टू लर्न, उसमें हम देखेंगे प्रोनाउन में क्या क्या होता है। प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन में आई, हुई, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। डिटेल से बात करेंगे जब इस पर लेक्चर हम अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने बताया था, हम उसी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं दोबारा। कहता है ही इज अ स्टूडेंट, तो ही कौन था यहां पर, राहुल। तो यानी द वर्ड्स विच कम इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। चलिए मैंने डिटेल से बताया और आगे बताएंगे। थर्ड सेंटेंस ले लेते हैं इसी राहुल पर, ही स्टडीज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड। अब यहां पर देखिए ही कौन है, ये राहुल है, हमें पता चल गया क्यों प्रोनाउन राहुल की जगह, नाम की जगह प्रोनाउन यूज कर रहा है। स्टडी क्या है, एक्शन है, एक्शन क्या, वर्ब। तो थर्ड पार्ट था वर्ब। अब वर्ब क्या है, हमने किताबों में पढ़ा है, बताया गया है, एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, इनकम्प्लीट है। उसमें क्या और जोड़ना पड़ेगा, स्टेटिव वर्ड्स, वो वर्ड्स भी, वो वर्ब भी जो किसी बंदे की पोजीशन बताए, वो किस हाल में है, और वो कौन से है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, दीज ऑल्सो आर द वर्ब। अलग से जब रिकॉर्ड करेंगे अलग से वीडियो में लेक्चर में इसे डिटेल से बताएंगे, और वर्ब्स के काइंड भी बताएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। बेसिकली हम यहां बात करते हैं ही स्टडीज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड। तो जो यहां जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो क्या है, स्टडीज। तो जनरली क्या है, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, वर्ब होते हैं, और स्टडी वर्ब मैंने आपको बताया इसके बारे में बताया। तो नेक्स्ट सेंटेंस राहुल पर ही लेते हैं, ही स्टडीज सीरियसली। अभी हमने क्या, इससे पहले सेंटेंस में क्या बात करी थी, ही स्टडीज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड। यहां क्या है, यहां पता चला हमें कैसे स्टडी करता है, तो ही स्टडीज सीरियसली, कैसे करता है, सीरियसली। सीरियसली क्या है, ये एडवर्ब है। अब एडवर्ब में भी मैं कहूंगा कुछ किताबों में इनकम्प्लीट डेफिनेशन से ही हमें कुछ इनकम्प्लीट डेफिनेशन बताई गई है, वो माइंड में फिट हो जाती है, बाद में परेशान करती है। एडवर्ब जरूर
वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन साथ साथ में एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है और एडवर्ब एडजेक्टिव भी क्वालिफाई करता है। जब हम एडवर्ब और एडजेक्टिव का लेक्चर उस पर भी क्लियर करते हैं, तो सीरियसली, सीरियसली क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या होता है, द वर्ड्स विच क्वालिफाई अ वर्ब। जैसे यहाँ पे सीरियसली किसके बारे में उसको क्वालिफाई कर रहा है, स्टडी को बता रहा है कैसे स्टडी करता है। इसी तरह से द वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब अनदर एडवर्ब और एडजेक्टिव आर नॉट आर नोन एज एडवर्ब। चलिए एक सेंटेंस और इसी पर राहुल पे ले लेते हैं, आप कहेंगे राहुल के पीछे पड़ गए। तो ये एक एप्लीकेशन है, ये जिस तरह से बच्चों के क्लास में समझाया जाता है, मैं इस तरह समझाना चाह रहा हूं। अब हम कह सकते हैं ही सीरियस अबाउट हिज करियर। अब क्या है वो, सीरियस है किसके लिए, करियर के लिए। तो यहां पर जो सीरियस है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो ही के बारे में कुछ एडिशनल बता रहा है। यानी कि द वर्ड्स विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, जो वर्ड नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताते हो, क्वालिटी बताते हो, एट्रीब्यूट करते हो, कुछ एडिशनल बताते हो, वो एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव के काइंड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स होते हैं, उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट जो एडजेक्टिव का लेक्चर लेंगे। तो बेसिकली आप ये याद रखिएगा, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। मैं कह सकता हूं उसे फ्लैटर करते हैं, जैसे ही इज ए गुड बॉय, यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई एम वियरिंग व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट, यानी कि शर्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव हो गया। दिस लॉन्ग दिस रोड इज वेरी लॉन्ग, यहाँ एडजेक्टिव लॉन्ग है। तो याद रखिएगा द वर्ड्स विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं आगे, उसके बाद हम एडजेक्टिव एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा। अब हम कंजक्शन की बात करते हैं, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, राहुल के लिए ले लेते हैं। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड टेनिस। अब ही राहुल है, क्या करता है, पसंद करता है क्रिकेट और टेनिस। यहां पर जो एंड है, ये देखिए कंजक्शन, कंजक्शन क्या है, कंजक्शन आर द कनेक्टिव वर्ड्स, द वर्ड्स विच कंबाइन विच ज्वाइन टू वर्ड्स फ्रेजेस पार्ट्स सेंटेंसेस क्लाउज, जो इन चीजों को जोड़ते हैं वो कंजक्शन होते हैं। बहुत सारे होते हैं जैसे एंड, बट, फॉर, एज सून एज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजक्शन से हम बात करेंगे, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोरिलेटिव कंजक्शन से, उन्हें डिफरेंट जब कंजक्शन का लेक्चर लेंगे उस पर लेंगे। कंजक्शन को और मैं तुम्हें क्लियर करके बताता हूं आपको। तो कंजक्शन क्या है, जंक्शन आपने सुना होगा, रेलवे स्टेशन जंक्शन क्या काम करता है, दो स्टॉपेज को जोड़ता है, दो सिटीज को जोड़ता है, दो स्टेशन को जोड़ता है, दो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, दो स्टेट को जोड़ता है, वो कंजक्शन, वो जंक्शन और कंजक्शन याद रखिएगा, जो जोड़ते हैं टू वर्ड, जो दो वर्ड्स को जोड़ता हो, दो फ्रेजेस को जोड़ता हो, दो पार्ट्स को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंस को जोड़ता हो। जैसे मैंने बताया बहुत सारे कंजक्शन, एंड, बट, फॉर, देयरफॉर, एज सून एज, देयर आर लॉट ऑफ कंडीशन काइंड्स बताती है उसके। नेक्स्ट चलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, देखिए इंटरजेक्शन कुछ चीज याद दिला, इंजेक्शन से आप इंटरजेक्शन से रिलेट करें, इंजेक्शन से, इंजेक्शन लगता है तो किस तरह का उफ, आउच, एकदम एक सडन फीलिंग्स आती है। तो इंटरजेक्शन क्या है, द वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशन, सडन फीलिंग्स को जो बाहर निकालते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरजेक्शन है, जिसमें आप एक वो देखे डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, जैसे हम कहेंगे अलास, हुरे, वाओ, अमेजिंग, ये सब क्या है, सब इंटरजेक्शन है। बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस इंटरजेक्शन। अगर आप कहीं गए किसी के घर पे, बर्थडे का केक रखा है और आपने जाकर अलास इट्स योर बर्थडे टुडे, इट विल मैस अप। अब किसी की डेथ में आपने जाकर हुरे इज नो मोर, बी केयरफुल। Expresses sadness, sorrow, वो दुख को प्रकट करता है। हुरे expresses joy, excitement, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा देख लीजिए। Next बात करते हैं preposition। देखिए टर्मोलॉजी पे जाएंगे, जैसे कंजक्शन की टर्मोलॉजी पे गए, इंटरजेक्शन की टर्मोलॉजी पे गए, अब हम preposition की टर्मोलॉजी पे जाते हैं। preposition क्या है, देखिए position, position एक बात क्लियर हो गई कि preposition में क्या है, position पता चले, प्रे होता था किसी से पहले आना। एक्चुअली आप डेफिनेशन देखेंगे तो बहुत मैं कहूंगा डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है, मतलब मैं अपने अपने शब्दों में बताना चाहता हूँ। प्रीपोजिशन है क्या, प्रीपोजिशन क्या है, क्या एक ऐसा वर्ड है, द वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड मेक्स इट रिलेशन टू अदर नाउन और प्रोनाउन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ।
क्या होता है बेसिकली, ये पोजीशन बताते हैं, ये वर्ड पोजीशन बताता है सब्जेक्ट की, जो नाउन प्रोनाउन होते हैं वो किस पोजीशन में, जैसे ही इज इन द रूम, ही कहां है, इन द रूम, ही की पोजीशन बता रहा है। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट की टेबल पोजीशन बता रहा है, लोकेशन बता रहा है। इसी तरह द मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, तो वो उसकी लोकेशन पोजीशन बता रहा है, और रिलेशंस भी बताता है उसके अंदर, जो बताया डेफिनेशन के अंदर, ही वेंट टू दिल्ली, ही इज नोन टू हिम, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन भी डिस्कशन करेंगे जब उसका सेपरेट पार्ट पर हम बात करेंगे। प्रीपोजिशन है, टू है, ऑफ है, फ्रॉम है, देयर आर नंबर ऑफ प्रोपोजिशन। व्हाट क्या कर रहा है, देखिए ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको राहुल के ऊपर, राहुल हिज नेम इज राहुल, ही इज अ स्टूडेंट, ही स्टडीज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, ही स्टडीज सीरियसली, ही सीरियस अबाउट हिज करियर, और उसके बाद ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड टेनिस, इंटरजेक्शन का एक एग्जाम्पल में रह गया था। तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं वाओ, ही डांसर, इज एन अमेजिंग डांसर, यहाँ पर वाओ क्या इंटरजेक्शन है, सडन फीलिंग्स बताता है। और उसके बाद ही इन प्रपोजिशन में हम कहेंगे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही लिव्स इन मुरादाबाद, तो यहाँ पे जो इन है वो प्रपोजिशन है। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रपोजिशन, मैंने बताया इन, ऑफ, ऑन, फ्रॉम, तो वो बताएंगे हम। जैसे मैंने बताया प्रपोजिशन क्या होती है, एक नाउन प्रोनाउन से पहले आती है, उसका रिलेशन दूसरे नाउन प्रोनाउन से आती है, बेसिकली ये लोकेशन बताती है, पोजिशन बताती है नाउन प्रोनाउन की, और रिलेशन को बताती है। देखिए अब आपको क्या करना है, इस पे इसे एक बार आप किसी पर भी ये थ्योरी अप्लाई करके आप उन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट फ्रेम सम सेंटेंसेस यूजिंग दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंडरलाइन देम एंड रिवाइज देम। द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे नाउन प्रोनाउन और वर्ब की। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and subscribe the channels. If I urge you, kindly share it to others who need it so that they become also learn.